हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत बेटा एक बिंदी ला दे मान तो बिंदी नहीं है मैं अच्छा लग रहा है। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। और आज एक ये वीडियो मैं बना रही हूँ, कल भी बनाना चाहती थी मैं इस वीडियो को, परसों भी बनाना चाहती थी। जिस दिन से ये सारी चीज़ें हुई हैं मैं उस दिन से इस वीडियो का बनाने का सोच रही हूँ, पर बनाती हूँ। थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैंने बनाई हुई भी है, आप लोग देख रहे होंगे मेरे 2-3 दिन से कोई व्लॉग नहीं आ रहे हैं। मतलब ये है कि पता नहीं माइंड से ही चीज़ें बाहर नहीं निकल पा रही, इस वजह से वीडियो या व्लॉग या रूटीन में आने का मन नहीं कर रहा है। जो भी है मतलब जब हम खुश होते हैं, हम नॉर्मल रहते हैं, तब हमारा मन करता है कि हम अच्छे से अच्छा वीडियो ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करें। पर जब मन ही ठीक ना हो, जब आप अंदर से ही ठीक ना हो, आप अच्छा ही फील ना कर रहे हो, तब कोई मन नहीं करता। मेरा पिछले रूटीन ब्लॉग तो मुझे याद भी नहीं है मैंने आप लोगों के साथ में कब शेयर किया था, मुझे नहीं है याद। क्योंकि मैं ना दिमाग माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है मेरा, किस वजह से है आप लोगों को मैं बता देती हूँ। ये जो अभी केस हुआ है लड़की के साथ में, डॉक्टर के साथ में, उसने ना अंदर तक आत्मा तक झंझोड़ दी है, आत्मा तक। बोलते हैं ना कि बेटी 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 बेटी, बेटी होने का दुख नहीं होता है, माँ बाप को बेटी होने का दुख नहीं होता है, माँ बाप को तो नहीं होता है, पर ये जो होती है ना चीज़ें, ये हमें एहसास कराती है कहीं ना कहीं कि हम बेटियों की माँ हैं या हम बेटी हैं। सारी बंदी से सब कुछ गलत, सब कुछ होना एक बेटी के साथ में होता है, बेटों के साथ में, लड़कों के साथ में ना कोई बंदी से हैं ना उनके साथ में ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं। एक डॉक्टर जो 36 घंटे कितने घंटे वो ड्यूटी करके अपनी माँ से बात करके वो लेटी है, और क्या दशा, मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ कि किस कंडीशन में वो लड़की मिली है, किन दरिंदों ने ये हरकत की है। और नाम ही आ रहा है, एक का एक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें खुल के आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं वो न्यूज़ देखूं या मैं कुछ वो करूं, पर मैं ये सोचती हूं फिर कि अरे हम तो इस चीज़ को देखने से डर रहे हैं। उस माँ की देखो, उस माँ पे क्या बीत रही होगी, उसका सिर्फ इतना ही वो था कि उसने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, वो एक डॉक्टर कहाँ है फिर, किस तरीके का फ्रीडम, बेटियां बेटों से कंधे मिला के चलेंगी, आज की नारी शक्ति, ये वो, ये सब कुछ बोलने बुलाने की बातें हैं, कुछ भी बराबर नहीं है। बोलते हैं ना लड़का लड़की बराबर है, नहीं होते भाई, लड़का लड़की ना कभी बराबर थे ना है, और ना ही फ्यूचर में कभी लड़का लड़की की, लड़की कभी लड़के की बराबरी होगी, वही रहेगा जो था। और अभी तो ऐसा लगता है कि अब दिन पे दिन ना दिन पर दिन जितने जितना हम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि लड़का लड़की बराबर है, उतनी ही लड़कियों की दुर्दशा है, उतनी ही ज़्यादा। रोज़ आप देख सकते हो, रोज़ चीज़ें ऐसी घिनौनी घिनौनी चीज़ें होती हैं, ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिनको सुन के देख के, ऐसी ऐसी वीडियोज़ आती हैं, ऐसे ऐसे केस आते हैं लड़कियों के, कोई काट के बोरी में भर के कहीं फेंक देता है, कहीं कहीं फेंक देता है, कहीं कभी कुछ हो रहा है, कोई जला देता है, कोई मतलब दहेज के लिए परेशान करता है, कोई वैसे परेशान करता है, कोई मतलब बहुत सारे कितने केस हुए हैं आज तक। न्याय भी मिल गया तो वो थोड़ा ही ना रहेगी, वो तो चली गई, क्या बाद में कैंडल वगैरह लेके, क्या इन सब का कुछ होना है, इन सब से कुछ नहीं होता, कैंडल वगैरह ये सारी चीज़ें, ये कुछ नहीं होती, वो तो चली गई ना, उसकी क्या गलती थी, उसकी सिर्फ ये गलती थी कि वो एक लड़की थी।
मेरे खुद दो बेटी हैं, मैं खुद ये चाहती हूँ मेरी पाकी पढ़े, मेरी पाकी कामयाब हो घर से बाहर। मैं आज मैं अपने अपने मन की बात आप लोगों को बता रही हूँ। ये जो माहौल, ये जो सारी चीज़ें होती, हमें अपने बच्चे पे ट्रस्ट है पर हमें दुनिया पे तो ट्रस्ट नहीं है ना। दूर मत जाओ, आपके आसपास में ही, घर में भी सेफ नहीं है बच्चे, घर में भी ये माहौल है, सुनते भी हैं। मेरा बहुत कुछ करने का मन होता है, मेरा बहुत कुछ, मैं कमज़ोर हूँ यहाँ पे कि मैं मेरी पाखी को या अपने बच्चों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती। मैं मेरी पाखी को अकेला, मतलब मैं हूँ भाई, मैं तो हूँ, मैं अपनी बेटी को घर पे छोड़ के मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती। मैं अपनी बेटी को किसी के भरोसे छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकती। मैं उसको जिम्मेदार नहीं बना सकती कि तू जिम्मेदार बन, मैं नहीं बना सकती। मैं हूँ भाई इन सब चीज़ों में, मुझे बहुत टेंशन होती है, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, मैं इतना सब कुछ सोचती हूँ। उसका 5:30 बजे आने का ट्यूशन, 5:30 वो ट्यूशन जाती है, मैं तब बाहर खड़ी होती हूँ। 7 बजे वो ट्यूशन से आती है, मैं तब बाहर खड़ी होती हूँ। पता नहीं भैया कोई साइड में को गाड़ी निकाल के क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं है, नहीं है भैया कोई भरोसा बिल्कुल भी। पाकी स्कूल जाएगी, उसके पापा जाएंगे, वो स्कूल से आएगी, बस कोने पे रुकती थी, हमने यहाँ पे रुकवानी शुरू कर दी। हम कहीं दूर ट्यूशन नहीं भेजते भैया, हम तो डरते हैं, चाहे अब कोई कुछ भी बोले इस चीज़ में, हम तो डरते हैं भाई। हमें ना, हम अपनी बच्ची को फ्रीडम के नाम पे, जिम्मेदारी के नाम पे हम जितना कर सकते हैं भाई, मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है। 2-2 महीने की बच्चियाँ सेफ नहीं है, 2-2, 3-3 महीने की बच्चियाँ सेफ नहीं है, फूल होता है वो तो, वो सेफ नहीं है। इतने दरिंदे, इतनी हैवानियत, इतना कूड़ कबाड़, इतना सब कुछ भरा पड़ा है दुनिया में कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी क्रूरता है। बोलते हैं ना कि दुनिया सर्वनाश की ओर जा रही है, वो इसी वजह से जा रही है, क्योंकि वैसे अभी अभी देखो नारी शक्ति और सावन चल रहा है, तो शिव जी का वो है, उसमें भी पार्वती का, समझ रहे हो, आगे जन्माष्टमी आएगी, नवरात्रे आएंगे, देवी माँ को पूजेंगे, दीपावली आएगी, लक्ष्मी जी की पूजा होगी, वैसे देवियों को पूज रहे हैं और वैसे वैसे क्या हो रहा है, उनको कुचल रहे हैं, उनके हाथ पैर, उनके के साथ क्या क्या दरिंदगी, सोच के भी रूह कांपती है। इतना डर हमारा ये था, हम सोचते हैं ये सारी चीज़ें अपनी पाखी के लिए, हम उसको पढ़ने के लिए यहाँ भेजेंगे वहाँ भेजेंगे, ये सारी चीज़ें सुनते हैं देखते हैं, ये होता है कहाँ भेजेंगे पढ़ने के लिए। भाई ये जो चीज़ें हुई है ये भी कोई दूसरी दुनिया में नहीं हुई, ये यही हुई है हमारे, यही हुई है हमारे आसपास में हुई, और ना जाने कितने केस होते हैं, ना जाने कितने केस होते हैं। माँ बाप बोलते हैं ना, बेटी पे बेटी होने का दुख माँ बाप को नहीं होता, पर जब ये सारी चीज़ें होती ना तो दुख होता है कि ना हो, जब इन बेटियों की कद्र ही नहीं है। अरे लड़कों के बराबर का अधिकार तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, उसे लड़की होने का जो जितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है ना, पैदा होने से लेके शादी तक, बुढ़ापे तक जितना वो भुगतती है ना, उतना कोई नहीं भुगतता, कोई भी नहीं। बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, कभी बदलाव नहीं आएगा। कितने भी कितने केस हो चुके हैं, कितने ही केस हो चुके हैं, बहुत पतेरे कैंडल वगैरह ये सब रो लो, भिगो लो, टेंशन ले लो, उसकी तो बच्ची चली गई, उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा। मन नहीं कर रहा काम करने का, मन नहीं कर रहा व्लॉग बनाने का, मन नहीं कर रहा, चीज़ों को सोच सोच करके टेंशन हो रही है कि ये हो क्या रहा। अपने मन की बात, मैं अपने
मैं पाकी को लेके हो चाहे मैं अपने छोटू को लेके हो, आगे वो भी स्कूल जाएगी, भी पाकी भी एक एज में है अभी, है ना। बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ती है अपनी बच्ची को। बहुत सारी बातें मैं पाकी को समझाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें उसको अवेयर करती हूँ कि कैसी है, क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों से। और हर पेरेंट्स को करना भी चाहिए, जितना अपने बच्चे को बचा सकते हैं उतना तो बचा ही सकते हैं ना, बाकी तो है ही जो भी हो रहा है। चलिए फिर, अभी इतनी सी ही बात थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी। कौन सी? जो हुआ यो मगनू कहवे ना, लड़की होगी लड़की किसका? मैं वो नहीं कह रही, मैं वो कह रही वो जो डॉक्टर के साथ जो, मैं कह रही कह देना लड़की होने का दुख, लड़की होने का दुख नहीं होता। तीन तीन चार चार महीने के बच्चों को नहीं पता चलता साढ़े चार महीने। मैंने कह रही लड़की होने का दुख नहीं होता, पर जब ये ऐसे वो है ना, जब लगा ना हो भैया किसी का भी लड़की होनी बंद हो जा। अरे बहुत सारी चीजें हैं, हम कितना सोचे, हम कितना सोचा, हम डरेगा नहीं उस माँ से पूछे कि रात को अपनी बच्ची से बात करके लेटी हो, वो बता रही है अपनी माँ को मैं भाई मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गया मैं सोन जा रही हूँ, उन्हें क्या पता था। सब सोचे अपने बच्चों को भाई पढ़ावें लिखावें कामयाब करें सारी चीज़ें करें, नहीं थोड़े ही ना पढ़ा लिखावें। कोई कोई बराबरी नहीं है कि लड़का लड़की बराबर, कोई बराबर नहीं है भैया, लड़का लड़का है लड़की लड़की है, कोई बराबरी नहीं है किसी। चलिए जी, अभी इतनी ही बात मुझे करनी थी आप लोगों से।